हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी, बोस बोर्ड, जो कि सिक्किम का बोर्ड है, जिसमें कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि क्या ये बोर्ड मान्य है या नहीं है, और बाकी भी उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कहाँ कहाँ पर वैल्यू है उसकी, है कहाँ कहाँ पर नहीं है। तो उसी वीडियो पर आपके लगभग लगभग आज मैं देख रहा था कि कम से कम 280 कमेंट्स है, जिसमें कि आप लोगों की क्वेरी थी। तो उसमें और क्या क्या ये है कि जिसमें कि क्वेरी में भी आपके डाउट्स थे कि कहाँ पर चलेगा, कहाँ पर नहीं चलेगा, ये क्या कॉप्स की लिस्ट में है या नहीं है, और भी जो क्वेश्चन थे उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आज मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। तो और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है और टाइम टाइम पर बोर्ड्स के बारे में या फिर किसी भी बोर्ड के बारे में अपडेट या यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो क्वेश्चंस की लिस्ट आपने मेरे को जी दी है कमेंट्स, वो मेरे पास एक है जिसको मैं एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या ये बोर्ड कॉप्स में है या नहीं है। कॉप्स में रजिस्टर, एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूँ कॉप्स ही क्या होता है। अगर आप 10वीं कर रहे हैं या 12वीं कर रहे हैं, जनरली हम देखते हैं कि हम यूपी बोर्ड से करते हैं, हम CBSE बोर्ड से करते हैं, ICS बोर्ड से करते हैं, अदर स्टेट अलग अलग बोर्ड होते हैं, NIOS वगैरह, जहाँ से हम करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम 10वीं कर चुके हैं, 12वीं कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि कॉप्स क्या है, तो उनको पता नहीं होता है। कॉप्स एक ऐसी संस्था है जहाँ से ये होता है कि अगर किसी भी बोर्ड का नाम वहाँ पर है, यानी कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर उस नाम, उस बोर्ड का नाम वहाँ पर है, तो उसको वैलिड माना जाता है कि हाँ, ये अब चाहे हम इंडिया में हो या इंडिया से बाहर वो कहीं भी किसी जॉब के लिए जाएंगे तो वो वैलिड माना जाता है। तो सबसे पहले तो यही था कि जो ये बोस बोर्ड आया था, ये आया था 2020 में। 2020 के बाद इसका पहला बैच निकला है, दूसरा बैच निकला, तीसरा बैच निकल चुका है, अब चौथा बैच जाएगा। तो कैंडिडेट्स जो होते थे, क्लाइंट स्टूडेंट्स जो होते थे, वो हमेशा पूछते थे कि क्या ये बोर्ड आगे जाके अगर मैं इससे करता हूँ तो क्या पासपोर्ट मेरा बन सकता है, क्या मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है, या मैं इस स्टेट से हूँ क्या वो उस स्टेट में वैलिड है या नहीं है। तो वो सारे क्वेश्चन थे। तो कॉप्स में अगर कोई भी बोर्ड का नाम होता है तो पूरी तरह से वैलिड होता है, लेकिन इसमें भी रजिस्टर करवाने के काफ़ी सारे एक प्रोसेस होता है कि जिसमें कई बार 3 साल लग जाता है, कई बार 5 साल लग जाता है किसी भी नए बोर्ड को वहाँ रजिस्टर होने में। तो अगर हम बात करें कि क्या ये बोर्ड कॉप्स की लिस्ट में है, तो हाँ, इस साल जनवरी से ये बोर्ड कॉप्स की लिस्ट में आ चुका है। अब मैं कैसे चेक करूँ कि इसको, कि हाँ ठीक है, वेबसाइट पर उन्होंने जो बोस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है कि BOSSE.ac.in, अगर मैं वहाँ पर जाके अप्रूवल्स में देखता हूँ तो वहाँ पर तो उन्होंने लेटर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कॉप्स की लिस्ट में इसका नाम है या नहीं, तो कॉप्स की वेबसाइट पर अगर मैं चेक करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपल गूगल पर आप करिए cops.in/new, उस पर जाएंगे आप तो वहाँ पर कॉप्स की वेबसाइट आपको गूगल पर आ जाती है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर जाने के बाद आप क्या कीजिए कि मेंबर डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है आपका, जो हेडर में ही आता है। तो मेन्यू में जहाँ पर मेंबर डाउनलोड्स का ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF मिल जाएगी। उस PDF में जाने के बाद अगर आप 49 नंबर पे देखते हैं, तो इस बोर्ड का नाम वहाँ पर अब मेंशन है, यानी कि अब इसकी उतनी ही वैल्यू है, चाहे आपके CBSE से करें आप, या फिर NIOS से करें, या UP बोर्ड, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड, या फिर बोस से करें, सबकी सेम वैल्यू है। अब इससे करने के बाद आपको क्या क्या क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि क्या ये इग्नू में एक्सेप्ट है या नहीं है। तो इग्नू के लिए तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने इग्नू का प्रॉपर एक लेटर दिखा दिया था, जहां पर इग्नू की वो जो RTI लगाई गई थी उसके ऊपर मैंने रिप्लाई किया हुआ था, जो वो सब बताया था मैंने। चाहे तो आपका उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप उसको क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कहां कहां पर इसको क्या क्या अप्रूवल दिए गए थे, वो मैंने सारी लिस्ट उसमें बनाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि NIOS में एक्सेप्ट है या नहीं है। तो NIOS में सिंपल, मैं वैसे तो ये है कि वहां पर आप चेक कर सकते हो, NIOS के ही अंडर में ये बोर्ड चलता है, ओपन बोर्ड है, तो यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप इससे कर सकते हैं, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में तो भी कर सकते हैं, और अगर आप स्टूडेंट है, यानी कि अभी आप सोच ही रहे हैं 9th करने के बाद 10th के लिए, तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपका बहुत सारा गैप आ चुका है तो भी आप इस बोर्ड से कर सकते हैं। तो NIOS की लिस्ट में जैसे अगर जाते हैं, मान के चलो कि 10th तो आपने इससे कर लिया, 12th के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो NIOS में फॉर्म भरते हुए हमेशा होता है कि पहले बेसिक डिटेल मांगता है, बेसिक डिटेल के बाद प्रीवियस क्वालिफिकेशन के ऑप्शन में जब बोर्ड आते हैं तो वहां पर इस बोर्ड का भी नाम दिया गया है, वो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसलिए वहां पर NIOS में भी एग्जाम के लिए पूरी तरह से वैलिड है, यानी कि आप 10वीं इससे करके 12वीं अगर चाहें तो NIOS से कर सकते हैं, वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है।
फिर बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं। एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन मोड पर होता है, यानी कि आपको किसी भी सेंटर पर नहीं जाना है एग्ज़ाम के लिए। आप जहां भी हों, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, एग्ज़ाम से पहले एक सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद उसी के थ्रू ये एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम इसका ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि इसमें कोई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन होता है, उसके चार ऑप्शंस होते हैं, चार में से जो सही है वो आप टिक करते हैं, उस तरह से वो एग्ज़ाम हो जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं ओपन बुक टाइप का एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होते हैं। एग्ज़ाम इसके हमेशा साल में दो बार होते हैं, एक बार अप्रैल में होते हैं, दूसरा अक्टूबर में होते हैं। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट कब तक आ जाता है। तो रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका रिज़ल्ट एग्ज़ाम होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने में अपने आप अपलोड हो जाता है आपका स्टूडेंट लॉगिन पे। स्टूडेंट लॉगिन, आई कार्ड, एडमिट कार्ड कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो में जाइए देखिए, वहाँ पर मैंने सब कुछ दिया गया है कि कैसे आपका आई कार्ड आएगा, कैसे आपका रिजल्ट आएगा, मार्कशीट कैसे होती है, वो सब मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी मार्कशीट आती है, कितने ग्रेड्स होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम में आती है, और कैसे उसके मार्क्स रिजल्ट ऑनलाइन शो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE लिस्ट, जो कॉप्स के लिस्ट में अप्रूव्ड है नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर है गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी बोर्ड कॉप्स की लिस्ट में आ चुका है तो वो पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि मैं बिहार से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं ब्ला 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 कोई भी स्टेट से हूँ, मैं अदर स्टेट से हूँ, तो क्या मैं इस बोर्ड से अपना 10th या 12th कर सकता हूँ। आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी आप चाहें तो इस बोर्ड से अपना 10th सेकेंडरी या फिर 12th सीनियर सेकेंडरी आप कर सकते हैं, वो पूरी तरह से वैलिड होगा, सेम ऐसे ही जैसे NIOS का वैलिड होता है। फिर उसके बाद है कि अगर मैंने इसे 12th किया है तो क्या मैं मेडिकल कोर्स यानी कि बी फार्मा या फिर डी फार्मा, इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकता हूं। तो आप इसके करने के बाद, इससे करने के बाद, जैसे आपने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इससे किया है, तो आप उन कोर्सेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपको कोई भी ऐसा कोई बाउंडेशन या फिर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एडमिशन लेने के लिए मना किया जाएगा। फिर है इसमें एक और चीज़ होती है कि मॉक टेस्ट। जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद एक मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट के लिए कमेंट था कि क्या मॉक टेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो मॉक टेस्ट एक्चुअली होता क्या है कि वो कंपलसरी नहीं है, ना ही उसके कोई मार्क्स जुड़ते हैं, बट मॉक टेस्ट अगर आप दे देते हैं तो आपको एक्चुअली ये पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो जब भी इसका एग्ज़ाम होता है उससे पहले 1 या 2 मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपको देना अच्छी बात है अगर आप दें, क्योंकि उससे ही आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, उसके मार्क्स कोई नहीं जुड़ेंगे, और आपको ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये था बोस बोर्ड के बारे में वो क्वेश्चंस और उनके आंसर जो आपने मुझे किए थे, और इसके अलावा कॉप्स की लिस्ट में आप कैसे चेक कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा।